उदाहरण पांच, चित्र में एसी बराबर बीसी, कोण डीसीए बराबर कोण ईसीबी तथा कोण डीबीसी बराबर कोण ईएसी सिद्ध कीजिए। त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम त्रिभुज ईएसी जिसमें डीसी बराबर ईसी। बच्चों, अब हम उदाहरण पांच हल करने जा रहे हैं। उदाहरण पांच में आप देखिए, आपके सामने बहुत सुंदर सी एक आकृति बनी हुई है। इसमें कुछ त्रिभुज भी हैं, चतुर्भुज जैसा भी कुछ दिख रहा है और इसमें हमको कुछ कुछ जानकारियां दी हुई हैं और उसके आधार पर हमें कुछ चीज़ें सिद्ध करनी है। तो आइए ज़रा गौर से देखें पूरी आकृति में हमें क्या क्या दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि एक त्रिभुज ए सी ई यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, उसको आप ई ए सी भी पढ़ सकते हैं और उसी तरह से एक त्रिभुज डी बी सी भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप यहाँ पर देखें तो हमें यही सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जरा ये देख लें हमें जानकारी क्या क्या दी हुई है। आप ये जो नीचे भुजा देख रहे हैं जो दोनों त्रिभुजों के आधार को मिलाती हुई भुजा है ए सी और बी सी, तो इसमें इन दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ए सी बराबर बी सी ये हमें दिया हुआ है। और कोण डी सी ए, कोण डी सी ए आप जरा देखिए यहाँ पर, कोण डी सी ए यहाँ पर आकृति में हमको दिखाई पड़ रहा है डी सी ए, जैसे हमने यहाँ पर यहाँ अंकित किया हुआ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है कोण ई सी बी के। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर दिया हुआ है। और एक चीज़ और दी हुई है, कोण डी बी सी, डी बी सी ये जो दोनों कोने वाले कोण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप देखिए, हमने दो निशान लगाए हैं, कोण डी बी सी बराबर है कोण ई ए सी के। आप देख लीजिए ये दिया हुआ है, ई ए सी और डी बी सी आपस में बराबर है। तो जो सूचनाएं हमारे पास है उसको आप गौर से देखिए एक बार फिर से। त्रिभुज ई ए सी आप देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज का आधार ए सी, दूसरे त्रिभुज डी डी बी सी के आधार बी सी के बराबर है और यहाँ कोने में बना हुआ कोण ए इस कोण बी के बराबर है और यहाँ जो बना हुआ कोण है वो भी आपस में बराबर है। अब हमको इन तीनों जानकारियों के आधार पर उन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले तो जो हमारे पास जानकारी दी हुई है कि इन दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर है, तो त्रिभुज के नाम हम लिख लें, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ई ए सी में, ई ए सी में क्या क्या जानकारी दी हुई है। पहले वाला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है डी बी सी, आप देखेंगे इसका आधार बी सी है तो हमें दिया हुआ है बी सी बराबर इस दूसरे त्रिभुज का आधार ए सी या सी ए, तो हम इसको ए सी लिख लें, ये हमें एक जानकारी दी हुई है। अब देखिए इस त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण बी के बराबर है, तो हम लिख लें त्रिभुज डी बी सी का कोण बी, इसे हम कोण बी ही लिख लें या पूरा लिख लें, कोण डी बी सी बराबर कोण ई ए सी, ई ए सी ये दो जानकारियां हमें मिली दोनों त्रिभुजों में, ये बराबर है आपस में। अब एक चीज़ और दी हुई है, उसे हम लिखें कोण डी सी ए, इसे लिखें हम कोण डी सी ए बराबर कोण ई सी बी, ई सी बी ये भी हमें दिया हुआ है। ये आप देखिए डी सी ए और ई सी बी आपस में बराबर है। अब आप देखिएगा ये कोण वास्तव में इस त्रिभुज का पूरा कोण नहीं है, अगर ये भी कोण इसमें शामिल होता तो ये पूरा का पूरा कोण इस त्रिभुज का एक कोण बनाता, उसी तरह से ये पूरा कोण भी इस त्रिभुज का दूसरा कोण बनाता। तो अगर हम दोनों तरफ इस बीच के हिस्से को जोड़ लें,
ये आप देख रहे हैं जो डी सी ई के नाम से है, ये दोनों कोणों के साथ यदि हम जोड़ लें तो हमें मिलेगा कोण डी सी ए धन कोण, ये बीच का कोण जिसे हम डी सी ई कह रहे हैं, कोण डी सी ई बराबर हमें मिलेगा कोण ई सी बी धन कोण, इसे ही हमें आगे भी लिखना है, कोण डी सी ई, ये परिणाम हमें मिला। अब आप इसको देखिए, डी सी ए और डी सी ई को हम देखें, डी सी ए और डी सी ई इस कोण के साथ हम इस कोण को जोड़ रहे हैं तो हमें एक पूरा कोण मिलेगा ए सी ई, आप चाहें तो इसे ई सी ए या ए सी ई पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों का योगफल लिखें, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, कोण डी सी ए कोण डी सी ए और कोण डी सी ई कोण डी सी ई, इन दोनों को हमने मिलाया है तो मिलाने से हमको ये पूरा बड़ा वाला कोण मिल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं कोण ए सी ई। तो हम यहाँ लिख लें कोण ए सी ई बराबर, अब दूसरी तरफ देखिए ई सी बी कोण ई सी बी और दूसरा कोण डी सी ई कोण डी सी ई, आप ध्यान से देखिए ये वाला कोण इस कोण के साथ जुड़ रहा है, कोण ये हिस्सा इसके साथ जुड़ रहा है तो हमको पूरा का पूरा कोण मिलेगा और इसका नाम क्या है आप लिख सकते हैं डी सी बी, इनके बराबर लिखेंगे कोण डी सी बी। और इस परिणाम के मिलने पर आप देखिए कि अगर आप इसे पहला त्रिभुज कहते हैं तो इस त्रिभुज का ये का पूरा कोण दूसरे त्रिभुज के इस पूरे कोण के बराबर है, इसको हम हटा दें थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और हमने ये पहले लिख लिया है कि ये आधार भुजा ए सी और बी सी बराबर है और उनका कोण बी कोण ए के बराबर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में क्रमशः दो कोण और उनके बीच की भुजा आपस में बराबर है और इसके आधार पर आप कह सकते हैं ये त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज ई सी ए सर्वांग सम है, ये कथन आप लिख सकते हैं और ये प्रमाणित हुआ कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। हमें एक कथन और जो सिद्ध करना है वो है डी सी बराबर ई सी, भुजा डी सी बराबर भुजा ई सी, जाहिर है कि पहले त्रिभुज की भुजा डी सी दूसरे त्रिभुज की भुजा ई सी के संगत है और इसलिए दोनों बराबर हैं। तो दूसरा परिणाम आप लिख सकते हैं कि भुजा डी सी बराबर भुजा ई सी, तो ये दूसरा तथ्य प्रमाणित हुआ, पहला कथन ये भी प्रमाणित किया आपने और दूसरा कथन ये प्रमाणित किया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या वास्तव में त्रिभुज जो दूर दूर दिख रहे हैं आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं? आइए आपको हम एक शीट दिखाते हैं और इसमें आप देखिएगा कि ये हमने इसके इसके ऊपर रखा, ध्यान से देखिए ये ए सी ई के ऊपर हमने रखा, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने शीट पर ट्रांसपेरेंसी शीट पर जो त्रिभुज बनाया था वो बोर्ड की त्रिभुज को कवर कर रहा है और वैसे ही एक दूसरा त्रिभुज भी हमने बनाया है जो दूसरे तरफ के त्रिभुज को पूरी पूरी तरह से ढक लेता है, ये त्रिभुज है आपका डी सी बी। अब यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम ढकने को मिलाने की कोशिश करें तो क्या मिलता है, देखिए ज़रा इस जगह पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, देखिए दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को ढक लिया। इस चित्र में दोनों त्रिभुजों की दिशा थोड़ी अलग है लेकिन हमने पलटाया उसको तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे को ढक लेते हैं तब हम कहते हैं कि वो आपस में सर्वांगसम है। तो ये आपने देखा उदाहरण नंबर 5 किस तरह से हल होता है, पहले की तरह आपने यहाँ पर भी सर्वांगसमता के प्रमेय का उपयोग किया और बताया कि जो शेष भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से आपका उदाहरण 5 पूरा होता है।